चेतावनी के बीच अमेरिका ने रूस को एक नसीहत भी दी है, यूक्रेन सीमा से सेना वापस ले जाए रूस, ये जो बाइडेन ने कहा है। रूस बातचीत के जरिए विवाद सुलझाए, यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देश एकजुट हैं। तो पहले उन्होंने रूस पर आरोप लगाया, फिर रूस को चेतावनी दी और फिर अब नसीहत सुनिए। बॉटम लाइन इज दिस, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आवर एलाइज एंड पार्टनर्स विल सपोर्ट द यूक्रेनियन पीपल, वी विल होल्ड रशिया अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस, द वेस्ट इज यूनाइटेड and resolved. We're ready to impose severe sanctions on Russia if it further invades Ukraine. But I say again, Russia can still choose diplomacy. It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table. Skandar, आप बाइडेन की इन बातों को कैसे डिकोड करते हैं? जानी सर आ रहा हूं, एक मिनट। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, बाइडेन साहब ने ये नहीं कहा कि वो एक एक इंच यूक्रेनियन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे, उन्होंने कहा नेटो टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है। और मैं प्रोफेसर साहब से बिल्कुल असहमत हूँ कि उन्होंने चाइना और रशिया को दोनों को एक्सपेंशनिस्ट पावर्स बताया है। रशिया जो भी कर रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। प्रोफेसर साहब और हम सब लोग सोचें कि जब अगर क्यूबा में रशिया मिसाइल वहाँ पर भेज दे तो अमेरिका किस तरह की प्रतिक्रिया करेगा। हम चाहते हैं कि श्रीलंका में हम्बनतोता में चाइनीज सबमरीन्स ना आए, क्या हमारी ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है? हमें रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रशिया हमारे हित में है, क्योंकि पूरा यूरेशिया नहीं तो अगर रशिया वीक हो जाएगा पूरा यूरेशिया चाइना के कब्जे में आ जाएगा। भारत के हित में है एक स्ट्रॉन्ग रशिया। रशिया की जो कंसर्न्स है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और इस समय अमेरिका गलती पर है, पूरी तरह से गलती पर है। और यूक्रेनियंस को समझना चाहिए कि जो राष्ट्रपति हैं उनके इन बयानों का आप कैसे मतलब क्या निकालते हैं? कोई उसकी सहमति नहीं है, वो यूक्रेनियंस के लड़ेंगे और उन केवल सैंक्शंस करेंगे और आधा यूक्रेन रशिया के पास चला जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।